3, 2, 1। हेलो फ्रेंड्स, और हमारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी हम सोकर उठे हैं थोड़ा सा लेट आज, क्योंकि रात था चंद्रग्रहण। तो चंद्रग्रहण होने के बाद में फिर बनाई है रेणु जी ने खीर, और खीर बनाने के बाद फिर उसको लेके हम बैठे चांदनी रात में ऊपर, और आधा घंटा ऊपर बैठे क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बहुत ठंडी लग रही थी, वही बहुत ठंड लग रही थी ऊपर। और फिर भैया उसके बाद में हमें सोने में बज गए सुबह के 4 बजे। फिर हम सो 4 बजे सब उठते हैं और हम गए सोने के लिए। हम गए सोने के लिए ऊपर कमरे में, पढ़ते हुए बड़ा बेटा सो गया था, मैंने उसको उठाया कि चलो बेटा अब नीचे जाके सो जाओ, तुम उठो। तो बोले हाँ मम्मी उठ रहा हूँ, अभी चल रहे हैं। मैं बोली चल रहे हैं, तो वो उठ के चला, मुझसे बोला मम्मी जी गुड नाइट। मैंने बेटा गुड नाइट मत बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग बोलो, कि सुबह के 4 बज रहे हैं, गुड नाइट नहीं गुड मॉर्निंग हो गया है। क्यों, हम 2:30 बजे तक तो हम लाइव में थे, और लाइव के बाद फिर जब हमने 2:30 बजे ही ग्रहण खत्म हुआ था, 2:22 ग्रहण खत्म हुआ था। और देखिए फिर खीर बनाई है, मैंने भी देखो टाइम लगता है एकदम से तो नहीं बनती है खीर। हमें खीर बनाते बनाते वही 3:15 बज गए थे। फिर आधा घंटा फिर हम ऊपर भी लेके बैठे खीर को, ये बोले ठंड लग रही है, रहने तुमने तो कहा 10 मिनट के लिए रखनी है, अब रख के भी तो नहीं छोड़ सकते ना। क्या है कि बंदर आ गए तो पता चली कि सारी जो चांदनी की खीर है ना उसको बंदर ही खा गए, और हम ऐसे ही रह गए बस देखते हुए। तो इसलिए हमें वहां बैठना भी पड़ा खीर को लेके। अब लेके आए तो जब खीर को फिर ये नीचे रख के गए, जो हम 4 बजे जो हम लेते हैं, फिर हम सुबह उठे हैं 8:30 9 बजे, 9:30 के आसपास उठे हैं, क्योंकि आज संडे है, बच्चों की भी छुट्टी है, बच्चों को नहीं जाना है। और अब हम चाय वगैरह तो देखिए पी चुके हैं। अच्छा, और एक चीज हुई है मेरे साथ में, आज एक घटना घट गई है सुबह सुबह चाय पीते समय ही, और रेणु जी ने आज फोड़ दिया है दिवाली की सफाई का बम, कि अब आज संडे है और बच्चों की भी छुट्टी है, तो छोटे बेटे को ने तो को उसको निला के उन्होंने उसने लड्डू गोपाल जी निला दिए हैं। आज वो देव और मेरा सिखा रहा है कि कैसे लड्डू गोपाल जी नहाते हैं, और उसको बता रहा है। अपने साथ थोड़ी सी रेणु जी ने दिक्कत बताई है कि आज सिर में दर्द है, और मेरे ऐसा हुआ ना कि कल भी मैंने मेहंदी लगाई थी बालों में, अब वो मेहंदी मेरी रखी हुई थी, मैंने उसको ही घोल लिया था। टाइम मुझे बाजार का जब बीच में मिला नहीं था तो तब गई थी, तब मैं भूल गई थी, अब मैंने उसको लगा लिया। 3-4 घंटे तो लगा के रखा, बाल धोने के बाद देखा तो उसका कोई कलर ही नहीं हुआ। अरे यार, मैंने कि मेरा टाइम तो बेकार ही चला गया। और मैंने अच्छा बाल छोटे हो तो कर लो, बाल लंबे हैं एकदम से सूखते भी नहीं है। फिर धोने के बाद मैं चली गई मार्केट, गीले बाल थे तो हवा भी लगी, खुले हुए बाल थे, फिर मैं और मेहंदी लेके आई हूँ, रात मैंने घोल दी मेहंदी, और अब मेरे हो रहा है सिर में दर्द। अब सोच रही हूँ लगाऊं नहीं लगाऊं, गुली रखी रहेगी फिर वो भी ठीक नहीं है, लगानी भी है मेरे को। मेरे हिसाब से इनका सिर का दर्द अब ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना सिर का दर्द हमें दे दिया है, अब हमारे सिर में दर्द है, और ये दिवाली की सफाई अब मेरे को और देव को करनी है। और आज हमने जो प्रोग्राम बना रखा था, मैं भी आपके साथ लगूंगी, हमारा जो नहीं, आपके जो सिर में मेहंदी लग जाएगी तो फिर आपके डस्ट जाएगी। आज नानी के यहाँ जाने का प्रोग्राम था बच्चों का, भाई इनके सिर में जब मेहंदी लग जाएगी फ्रेंड्स, बताइएगा कि मेहंदी लगेगी तो बालों में फिर डस्ट जाएगी, और फिर कहेंगे अरे मेरे तो फिर बालों में कलर नहीं आया। तो भैया आप दूसरी बार मेहंदी लगा रहे हो तो प्लीज अच्छे से लगाइएगा। हम आपको मैं कलर वाली तो लगाती नहीं हूं, ग्रीन मेहंदी ही लगाती हूं, हरी वाली जो होती है ना। अब हम आपको देंगे रेस्ट, आप रेस्ट करिएगा। लेकिन आपने तो हमारा प्रोग्राम सारा चौपट कर दिया, क्योंकि आज है भारत और इंग्लैंड का मैच, और हमारा प्रोग्राम था कि आज हम बैठ के आराम से मैच देखेंगे, लेकिन अब हमें लगना पड़ेगा सफाई में। अभी तो प्रोग्राम था ना घर जाने का, बच्चों को नानी के यहाँ लेके जाने का, अब वो भी कैंसिल हो गया है देखिए। और आज भाई का फोन आ गया, देखिए सुबह सुबह दीदी आप आ रही हो, अब उससे कह रही दीदी आप आ रही हो, मैं कि नहीं भैया नहीं आ रही, नहीं दीदी आप तो बोल रही थी संडे को आऊंगी, मैं भैया नहीं कैंसिल हो गया है प्रोग्राम, अब नहीं आ रही हूँ। शायद अब कल मेरी भाभी आ सकती है मेरे पास, भैया भाभी दोनों आएंगे कल, तो कल भी हम कोशिश करेंगे उनके साथ में ब्लॉग बनाने की, आपसे बात करने की। अभी तक जो प्रोग्राम इनका बन रहा है वो कल फिर हम देखेंगे क्या क्या करते हैं, वो भी हम आपको शेयर करेंगे ब्लॉग में बनाएंगे ना, और तो वो भी शेयर करेंगे आपके साथ में। तो आज हमने एक छोटा सा रूम पकड़ा है अपना, अपना जो हमारा अभी पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं ना, सबसे ऊपर अपने जो हमारा रूम है और हमारा जो बेडरूम है उसके उससे हम सफाई करेंगे, फिर नीचे तो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। देखिए अब दिवाली की सफाई का खैर टाइम स्टार्ट हो चुका है, देखिए सभी के घरों पे चल रही होगी फ्रेंड्स दिवाली की सफाई, अगर कोई फ्री हो जिनके यहाँ हो गई हो तो हमारी भी हेल्प करने के लिए आ जाइए प्लीज, बहुत सारा काम है यार दिवाली की सफाई, इतने दिवाली आती है ना, दिवाली की सफाई मार लेती है। रेणु जी ये बात तो मेरे को बोलनी चाहिए, मेरे को हेल्प मांगनी चाहिए, आप तो फिर भी फ्री है, ये बात तो मेरे को बोलनी चाहिए कि फ्रेंड्स प्लीज जब आप लोग रगे रहोगे तो मेरे से भी काम बैठ जाएगा ना, मेरे से भी मुझे भी करवाना होगा, ऐसी बात नहीं है।
तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रेणु जी ने भी रिक्वेस्ट करी है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप, आपके लिए तो रिक्वेस्ट की है ना, अच्छा मेरे लिए आपने किया, चलिए मैं, इन्होंने रेणु जी ने मेरे लिए आप सबसे हेल्प मांगी है, तो उसके लिए बहुत बहुत इनका शुक्रिया रेणु जी का कि इन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा। और मैं तो बहुत सोचती हूँ आपके बारे में। आपने चाय पीते भी तो सोच लिया कि आज इनसे क्या काम लेना है, और आपने वो हमारे ऊपर दिवाली का बम फोड़ चुके हैं कि आपकी आपको दिवाली की सफाई करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना अच्छा सोचने के लिए हमारे लिए। और अब करते हैं फ्रेंड्स, देखिए अगर आप फ्री हैं तो प्लीज़ हमारी हेल्प के लिए आना चाहें तो आ सकते हैं, और अगर आप वहीं घर बैठे ही अब हेल्प देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कौन कौन दिवाली की सफाई में लगा हुआ है ये बताइएगा कमेंट्स करके। जी सफाई मतलब हो गई है भाई, बहुतों के क्या होता है ना, पुताई होती है घर की, सफाई तो उसमें हो जाती है, तो किस किस की हो गई है, और भी ऐसे तो सब लगे ही रहे होंगे इस टाइम तो। और मुझ जैसे भाई जो और भी हैं वो भी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं दिवाली की सफाई करते हुए। तो फ्रेंड्स अब दिखाते हैं कि हम क्या क्या झेलते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे होता है, और पूरा तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको ही बोर नहीं करेंगे, हमें पता है कि सबके यहाँ घर पे दिवाली की सफाई चल रही है और सब उसमें बिजी हैं, तो प्लीज़ बस थोड़ा सा हल्का फुल्का हम आपको दिखाते हैं, और ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, जल्दी इसे ख़त्म करेंगे, और क्योंकि मैच भी देखना है और हमें सफाई जल्दी जल्दी करनी है। छोटा नालिया है वो लड्डू गोपाल जी को नहला रहा है, उसकी फरमाइश है माइक क्रोनिक की, और मैं उसके लिए, देखिए ये दोनों के लिए ही ना, ये आपका फर्ज है, अब हम जा रहे हैं सफाई के मैदान में, तो प्लीज आप हमारे लिए तैयारी करके रखिएगा, नाश्ता तैयार करके, मैं को फिर मेहंदी भी लगानी है अपने बालों में, 2-3 घंटे लगेंगे क्योंकि ये हरी मेहंदी जो होती है इसमें टाइम लगता है ना, तो 2-3 घंटे तो मान के चलिए लगा के रखें। अब ये 3 घंटे के लिए वहाँ बिजी हैं, और अब अगले 3 घंटे हम दूसरी जगह बिजी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए रहेगी कि हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सफाई करते हैं, मैं देखती हूँ बीच में ना, नहीं रेणु जी आपको एक बार दिखाऊंगी। आज का संडे आपने हमारा सुपर संडे बना दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कभी कभी होना चाहिए ऐसे सुपर संडे ना, कभी कभी होना, मुझे लग रहा है ये आप मुझसे रात लाइव का बदला ले रहे हैं। लाइव में जो आपने मुझसे, मैंने आपके लिए जो कहा था कि आप शॉर्ट वीडियो में इनको बहुत परेशान करता हूँ, वो इन्हें चीज याद आ गई है, इन्होंने सुबह सुबह ले लिया है उस चीज का बदला, तो प्लीज हमारे कैलाश शर्मा जी अगर सुन रहे हैं और इस वीडियो को देखें तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैलाश जी और इन्होंने ले लिया है बदला, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज जरूर बताइएगा। तो दिखाते हैं फिर आपको रूम में क्या क्या करते हैं जी हम। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने रूम में, बेडरूम में आ चुके हैं, और यहाँ की हमें करनी है सफाई, आप देख सकते हैं ये रूम, रूम में ज़्यादा सामान तो नहीं है लेकिन ये बेड पूरा भरा हुआ है कपड़े वगैरह उसे, तो इसमें जो सफाई होगी ना, जब सामान फैलेगा, अरे बाबा, तो अब लगते हैं हम सफाई में और दिखाते हैं आपको अपने सफाई वाले हथियार हमारे जो यहाँ रखे हुए हैं, हम लेके आ चुके हैं, और रेणु जी ने बहुत बुरा फंसाया है हमें, और उनका साथ भी नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी सफाई में, बाकी ये है कि घर के कुछ और कामों को वो नीचे इतने फिनिश कर लेंगी, तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। फ्रेंड्स हम अपने हथियार लेके आ चुके हैं सफाई वाले, और ये सब रखे हुए हैं यहाँ पर, ये हमारा छोटा सा रूम, ये बेड करेगा सबसे ज़्यादा परेशान हमें, और ये जंगले, ये सब सफाई करनी पड़ेगी अभी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड ये कर रहे हैं सफाई, ऐसा मत करो, देखो तुमने बोले बहुत बड़ा फंसाया, और देव भी नहीं आया अभी तक, मैं देव आ रहा है ना आज, पता है ना, 1:20 हो गए हैं, मेरा मैच स्टार्ट होगा 2 बजे से, देव आ रहा है, वो ना लड्डू जी का भोग भोग लगवाया ना, छोटे को पता तो है नहीं, अब उससे वो ही करवा रहा है। और ये देखिए ये सब फैला हुआ है, इन्होंने चद्दर से सब सामान को ढका हुआ है, जो ये रखा है सब ढक रखा है, क्योंकि फिर दोबारा से धूल मिट्टी इसमें जम जाएगी, और अभी तो यहाँ से भी सामने से होगी, सब उतार के सबको ढका जाएगा, और जब करेंगे प्लीज फ्रेंड्स देखिए जो मेरे जैसे हैं यहाँ देख रहे होंगे, हमारे मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन है उसका हम हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं कि सबसे पहले जहाँ आप अपने अपने आसपास के जगह से सफाई की शुरुआत करिए ना, और हम नहीं करना चाहिए, देखिए ना ऐसा हेल्प भी करनी चाहिए, रेणु जी की मेहरबानी है, और मैं आपको क्षमा चाहता हूँ रेणु जी, मैं आपसे आगे से लाइव में कुछ नहीं कहूंगा, और मैं चुपचाप लाइव में बैठा रहूंगा और नॉर्मली बात करता रहूंगा। तो कैलाश जी आप देख लीजिएगा आज मेरी क्या हालत कर रही है, और ये सिर्फ रात के लाइव का ही नतीजा है जो
चलिए मैंने ना आपके लिए नाश्ता भी तैयार कर लिया है, आइए चलिए। नाश्ता क्या, 1:30 बजे खाने का तो टाइम हो रहा है और यहाँ हुआ है नाश्ता। क्योंकि आज हम लेट हो गए ना, और मैं इतने फिर खाना तैयार कर दूंगी, आप इतने हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए। नहीं तो है, चलो अब देखिए वो तो रहा है खाने का टाइम, लेकिन आज वैसे हम लेट हो गए ना, तो जो नाश्ते का टाइम, तो उस टाइम तो हमने चाय पी है आज बैठ के खाली। वैसे हल्का सा नाश्ता हम कर चुके हैं चाय के साथ में, नमकीन बिस्कुट वाला। आज चल रही है सफाई, और सफाई होने के बाद में अब देखिए बिगड़ा मैं कर चुका हूँ, इसका 90% काम हो चुका है, बस गीला कपड़ा मानना है मेरे को, और उसके बाद में बस इस वीडियो में हम इतने रखेंगे, आप क्योंकि सफाई में लगे रहेंगे तो ब्लॉग बहुत सारा हो जाएगा फिर, और बहुत सारा हो जाएगा। आपको भी सबको पता है सफाई में होता क्या है, बस ये था कि कुछ बातें ऐसी थी जो हमें करना। ये हमारा ना पुराना शोकेस, पहले जो हमारा वो टीवी है ना ऊपर रखा है, वो मेरी शादी का टीवी है। देखिए कहेंगे सिलावी आ रही है ऊपर कोने में। अब नाश्ता के लिए बता रही है कि नाश्ता हमारा रेडी है, तो हम चलते हैं नीचे फटाफट से, देखते हैं रेम जी ने क्या बनाया नाश्ते में, और आप देख रहे हैं सब फैला हुआ है, और बस आज ये हमारा, ये मैं बता देती हूँ ना, बता दूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पुराना हमारा टीवी का है शोकेस, इसका शीशा गया है, शीशा है का है। बच्चों ने कर दिया इसको कमाल। अब इसका मैं पता है क्या यूज करती हूँ, इसको यहाँ रख के मेरा जो भी पोशाक का सामान है ना, जो मैं पोशाक बनाती हूँ लड्डू गोपाल जी की इनकी, तो वो सारा मैं इसमें ही सेट करती हूँ अपना सब सामान, तो यहाँ पर मैं इसको इस चीज में यूज ये कर सारा रही हूं। इनका रॉ मटेरियल फैला हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये सब सब मेरा पोशाक का सामान है, ये देखिए ये सब जो ढका रखा है सारे बैगों में पिन्नियों में सब बंधा हुआ, किसी में कपड़ा है, किसी में कुछ है, किसी में फूल्स वगैरह है, और इस वाले बैग में सब बुलन का है सारा, जो गर्म पोशाक बनाती हूँ, तो ये सब मेरा इसी में सेट करती हूँ मैं सामान को, कुछ इसके ऊपर रखती हूँ ट्रोली के, कुछ इसके अंदर रखती हूँ, और ये अब टीवी की यूज की तो रही नहीं, तो हम अपने सामान के यूज में लेते हैं। और चलिए जी अब नाश्ता तैयार है, आ जाइए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये अब माइक्रोनी बनाई है इन्होंने आज, और ये माइक्रोनी कर रही हैं, और उसके साथ में है खीर, जो कि रात हमने जब हमारा चंद्रग्रहण कंप्लीट हो चुका था उसके बाद में ये खीर बनाई रेनू जी ने, और ये खीर और माइक्रोनी हो गया नाश्ता आपका रेडी, हो गया नाश्ता रेडी। थोड़ा हैवी नाश्ता करा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, हल्का वाला तो करा दिया ना आपको। आइए फ्रेंड आप भी नाश्ता कर लीजिए, माइक्रोनी है, खीर है, ज्यादा तो देखिए कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, जो भी है तो आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा, कि सुमित जी की सफाई कैसी लगी वो जरूर बताइएगा लिख के कमेंट्स में, और अब आप बता दीजिए। तो फ्रेंड्स पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा, उसके बाद में अब हमारी सफाई का अभियान चालू होगा नाश्ता करने के बाद में। और ये देखिए इधर यश भर रहा है पानी पीने का आराम से, और सब लगे हुए काम में, ऐसी बात नहीं है, और सब कुछ ना कुछ हेल्प दे रहे हैं मेरे को। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसी आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, और हमारा स्वच्छ भारत अभियान का जो हिस्सा हम बने हैं उसका आपको कैसा लगा, और जो पहली बार हमारी इस पे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही करें, शेयर भी करें, और उसके साथ हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतने सारे हो गए बर्तन, और बर्तन भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, अब ये करेंगी देखिए ना, हमारा काम ना किसी को नहीं दिखता है फ्रेंड्स, करना तो है ही ना। तो चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ में, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।